नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सारद। इस वक्त मैं राजधानी रांची के अपर बाजार में हूं। अपर बाजार में 17 दुकानों को सील करने के लिए नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची है, और जब टीम यहां पर पहुंची है तो विरोध प्रदर्शन जो दुकानदार हैं और स्थानीय लोग हैं वह कर रहे हैं। आप देखिए कि अपनी तैयारी के साथ नगर निगम की टीम पूरे फोर्स के साथ यहां पर पहुंची है, और जैसे ही टीम यहां पर पहुंची थोड़ी देर पहले, और उसके साथ ही यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है शुरू हो गया। सभी लोग यहां पर सड़क पर उतर गए हैं, दुकानदार और दुकान में काम करने वाले लोग, और नगर ये अपर बाजार की सभी दुकानों को जो है यहां पर फिलहाल बंद कर दिया गया है, और सभी लोग विरोध प्रदर्शन में यहां पर उतर गए हैं। इस वक्त रांची के विधायक सीपी सिंह के साथ साथ डिप्टी मेयर भी यहां पर पहुंचे हैं, और ये यहां के स्थानीय लोगों के समर्थन में उतरे हैं। महुआ मांझी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की नेत्री हैं वह भी पहुंची हैं। हम इनसे बात करें, उससे पहले आपको देखिए कि तमाम जो तस्वीर है वह आपको दिखा दें कि किस तरह से यहां पर सड़क पर उतरकर तमाम जो लोग हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो दुकानें हैं वह सील नहीं करनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों रांची नगर निगम की के तरफ से 17 दुकानों को नोटिस भेजी गई थी, इसीलिए क्योंकि नक्शा पास करके जो है मकान नहीं बनाया गया था, और यही वजह है कि नोटिस भेजी गई थी। लेकिन जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जब ये मकानें बनी है उस वक्त नगर निगम बना भी नहीं था, और यही वजह है कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी हालांकि जो टीम यहाँ पर दुकानें सील करने के लिए आई थी वह जो है रुकी है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करें और जाने कि आखिर क्या कुछ ये कहना चाह रही हैं। आप देखिए कि ये तमाम जो महिलाएं आपको सड़क पर बैठी हुई दिखेंगी, ये यहाँ की जो दुकानें हैं उस दुकान में काम करने वाली महिलाएं हैं, और आज ये दोनों तरफ की दुकानें आप देखेंगे जहाँ तक आपको नजरें जाएगी वह दुकान जो है बंद है। दरअसल सोना पट्टी की दुकानों को सील करने के लिए नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची थी, और देखिए ये नगर निगम की तरफ से यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है लगातार, और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न न करें, भीड़ ना लगाए, हमारे कार्य में विरोध उत्पन्न करना उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें और उनका सम्मान करें, हमारा कर्तव्य है। सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पालन करें, सरकारी कार्य को संपन्न होने दिया जाए। आप लोग से विशेष आग्रह है कि सरकारी कार्य में सहयोग करें, विरोध करना उचित नहीं है। सरकारी कार्य में बाधा डालना एक प्रकार का जुर्म है, इसे ध्यान में रखते हुए आप हमारे कार्यों में सहयोग करें। आप सभी दुकानदारों से नम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करें, कानून को हाथ में ना लें, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें। आप सरकारी कार्य में सहयोग करें। चलिए चलिए अपना अपना काम में जाइए, इधर जाना जाइए, जाइए। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुँची है वह लोगों से अपील कर रही है कि यहाँ जो है वह खाली कर दें, भीड़ न लगाएं, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। आप देखिए कि एक बार फिर से हम कैमरा उठाकर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सभी दुकानें आज बंद कर दी गई है, और लोग यहाँ पर पहुँच प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो माइक से है अनाउंस किया जा रहा है कि सभी लोग जो है भीड़ खाली कर दें, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही यह कार्रवाई जो है की जा रही है। यहाँ पर रांची के विधायक सीपी सिंह, महुआ मांझी और तमाम जो नेता लोग हैं वह पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक आपसे आशा करते हैं कि सरकारी कार्य का विरोध नहीं करेंगे, आप सहयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि महुआ मांझी हैं, सीपी सिंह हैं। हम लोग नगर निगम के माध्यम से
आप लोग क्या विरोध में आए हैं कि समर्थन में आए हैं? नहीं, हम लोग गरीब मजदूरों के लिए ये अपील करने आए हैं कि उनका रोजगार ना छीना जाए और इस पर सरकार कुछ ऐसा, नगर निगम कोई ऐसा कोई रास्ता निकाले कि भवनों जो पुराने भवन हैं जो कि 70-80-90 साल पुराने हैं, तो इनके नियमितीकरण के लिए कोई रास्ता निकाले कि नियमित हो जाइए कुछ फाइन देकर, जो भी सरकार नियम निकालेगी नगर निगम, तो उसके आधार पे इनको नियमित किया जाए। और माननीय न्यायालय में ऐसे भी अभी चल रहा है ये, तो वो उनका निर्णय आने की वेट कर लिया उसके लिए, है ना। तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार में हैं, तो फिर ये सड़क पर ये इतना करने का क्या मतलब है? आप सरकार को बोल के बंद करो। नगर निगम की तरफ से हाईकोर्ट के का जो निर्णय था उसके हिसाब से ये आदेश आया है, तो हम लोग माननीय न्यायालय में अभी चल रहा है, वहाँ से देखा जाएगा कि वो क्या आदेश देती है, उसके बाद जो अभी कुछ हो सकता है। हाँ, होना तो चाहिए। तो अभी तो लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है कि खाली हम लोग इसी के लिए वेट कर रहे हैं। सर, आप तो जाहिर सी बात है लोगों के पक्ष में आए होंगे, क्या लगता है कि नगर निगम भी पॉलिटिक्स कर रहा है? सरकारी कार्य को संपन्न होने दिया जाए। देखिए, कुछ लोग हाई कोर्ट का नाम लेकर बचना चाहते हैं, हाई कोर्ट के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं। ये हाई कोर्ट ने थोड़े कहा है कि इसको तोड़ दीजिए, ये तो रांची नगर निगम की कार्यस्थानी है, तो स्वाभाविक रूप से सीपी सिंह जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ खड़ा होता है। मैं व्यापारियों के पक्ष में खड़ा हूँ, रांची वासियों के पक्ष में खड़ा हूँ कि भाई ये एक भी दुकान नहीं टूटे, इसके लिए खड़ा हूँ। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, यही बगल में आप देख लीजिए सरस्वती मार्केट है, यहाँ भी एक बार बुलडोजर लेके आया था नगर निगम वाला, सीपी सिंह खड़ा हो गया, बुलडोजर वापस हो गया। तो सीपी सिंह ही सबसे थोड़े है, अरे भैया मैं रोजगार देने में विश्वास करता हूँ, रोजगार छीनने में विश्वास नहीं करता हूँ। पहले बसाओ तब हटाओ, मेरा यही सिद्धांत है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हटाओ। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेरोजगार लोग मुर्गा बेचो, बत्तख बेचो, अंडा बेचो, तो बर्गा मुर्गा बत्तख अंडा कहाँ बेचेगा? मोराबादी मैदान में खाने पीने का सामान बेचा है तो वहाँ फरमान जारी हो गया हटाइए, तो कहाँ बेचेगा अंडा मुर्गी बत्तख कहाँ बेचेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई बगल में सीएम आवास है जिसमें कोई नहीं रहता है, अभी काके रोड में सीएम आवास देखा है आप लोगों ने, तो उसको बहुत बड़ा आवास है, उसको दे दीजिए बेरोजगारों को, वहीं पर मुर्गी बत्तख अंडा इत्यादि वगैरह बेचेगा। अभी सर ये जो यहाँ पर हो रहा है सब कुछ, इसका बीच का रास्ता क्या? बीच का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है, ये पुराना मार्केट है, सैकड़ों साल से यहाँ पर है बसा हुआ, इसके पीछे न पड़े, जिस स्थिति में चल रहा है उसको चलने दिया जाए, यहाँ अच्छी सड़कें बन जाए, यहाँ पर भीड़ कंट्रोल करने की व्यवस्था कीजिए, ये मकान तोड़ने का दिमाग से बात निकाल दीजिए, यही रास्ता है। ये मकान तोड़ करके आप कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम नहीं कीजिए, लोगों का रोजगार मत छीनिए। रांची के अंदर भैया 2 लाख ऐसे मकान हो गए जो बिना नक्शा के पास, अब क्या सबको तोड़िएगा भाई? पहले बनने के समय ही यदि बना है किसी का भी बना, तो बनने के समय देखिए, उसी समय रोकिए, जब बन जाता है तब ये लोग चले आते, उस समय भी माल दो और बनने के बाद भी माल दो, तो व्यापारी खाली माल देने के लिए बना हुआ है क्या? मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं व्यापारियों के साथ हूँ, व्यापार में जो मजदूर हैं उनके साथ हूँ, मैं इस अन्याय के विरुद्ध में हूँ। तो यहाँ पर रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर भी हैं, संजीव विजयवर्गीय जी, आप तो डिप्टी मेयर हैं और आपकी ही निगम की टीम यहाँ पर पहुँची है और आप इन्हीं लोग के विरोध में हैं, तो ये बड़ा सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा। देखिए, उल्टा गंगा बहने की प्रथा चालू हो गई है। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी ने जब ये तीसरी सरकार का गठन करने का निर्णय लिया था, करवाया था, संविधान में इसका प्रावधान किया था, तो इसलिए किया था कि शहर की सरकार जो बैठे वो शहर को व्यवस्थित करने का काम करे। लेकिन आज के दिन जो अधिकारी वर्ग है इस तरह का मकड़ा जाल फैलाए हैं कि जनप्रतिनिधि पीछे
और जो निर्णय ले वो अधिकारी ले। आज नगर निगम के माध्यम से पिछले, मैं 15 वर्ष से नगर निगम में हूँ और मुझे लगता है 5 बार नगर निगम के बोर्ड ने सरकार के पास इसमें इस पूरे शहर को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। सरकार अलग अलग पार्टी की सरकार रही, 2 बार नियमित करने का योजना आया, लेकिन उन योजनाओं में इतनी विसंगति थी कि लोग उसका उपयोग नहीं कर पाए। आज जब लगातार बात चल रही है कि नियमित करने का प्रावधान लाइए और रांची शहर के 2 लाख घरों को वैध करने का काम करें, लेकिन वो नहीं करके आज 16 घरों को नोटिस सील करने का, अब मुझे लगता है 4000 घरों को नोटिस सर्व किया गया है कि आपको क्यों नहीं हटा दिया जाए। आगे आने वाले दिनों में 2 लाख घरों को ये नोटिस जाएगा, मतलब रांची शहर को उजाड़ने की योजना सरकार के द्वारा नगर निगम के प्रशासक के माध्यम से किया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। आज के दिन रांची नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधि 100% अडिग है कि जो जैसा है वैसे को नियमित किया जाए, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, जनता में भय का वातावरण भी खत्म होगा। और आज इसीलिए चूंकि हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि है, इसलिए सड़क पे आए, जनता के लिए आए, सरकार के साथ इसलिए नहीं है संवैधानिक पद होते हुए भी कि आज जनता के खिलाफ अगर कोई निर्णय होता है तो हम कभी भी प्रशासन का साथ नहीं देंगे, हम हमेशा जनता का साथ देंगे। आपका कोई रोल नहीं है? हमारा रोल यही है कि हम जनता के साथ हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं करने देंगे। बिल्कुल, ये डिप्टी मेयर है और ये बोल रहे हैं कि ये जनता के साथ हैं, दुकानदारों के साथ हैं और नहीं करने देंगे। यहाँ पर देखिए, एक तरफ लगातार जो माइक है उससे अनाउंस किया जा रहा है कि भाई जितनी भीड़ है वह खाली कर दीजिए, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, नोटिस पहले ही सर्व कर दी गई थी। और अगर शुक्रवार को, फ्राइडे को सर्व किया गया था और सैटरडे संडे जैसा कि आप जानते ऑफ है, तो अभी माननीय हाई कोर्ट में ये मामला सुनवाई पे है, तो इतनी क्या हड़बड़ी है? जो एक, ये कोई सिंगल किसी का मामला नहीं है, रांची में लाखों लाख घर और बिजनेस जो इस्टेब्लिश मान लिया नक्शा नहीं है या विचलित है, तो आप उनको गवर्नमेंट कुछ ऐसा चीज करे ना, उसको रेगुलाइज करने के लिए करे। आप तबाह सबको तोड़ देंगे तो ये कैसा सरकार शहर बसेगा? क्यों किया जा रहा है, क्या लग रहा है? सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। कौन बदनाम करने की साजिश? जो प्रशासक है वो अपने आप को यहाँ का दादा समझता है और देखता है कि सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, और इसलिए इस तरह का सिस्टम किया। अच्छी सरकार का सिस्टम क्या है? लोगों को बचाए, उनका भोजन का अरेंजमेंट करे, उनके आवास का अरेंजमेंट करे, न कि उनको बर्बाद करके रोड पर ले जाए। ये कह रहे हैं कि हम रांची सुंदर बनाएंगे, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रोड को चौड़ा करेंगे। इतना बोलना चाहूंगा, आप दिल्ली का चांदनी चौक देख ले, क्या दिल्ली के चांदनी चौक में जितनी, यहाँ तो फिर भी चौड़ी चौड़ी गली है, वहाँ तो 2-2 फीट चौड़ा रोड है, क्या सबको तोड़ दिया गया? क्या दिल्ली का चावड़ी मजार देखिए, कलकत्ता की पुरानी मार्केट देखिए, फैंसी, तो हर जगह पुरानी शहर है। आप नया शहर बसाए ना, आप यहाँ जैसे कितने दिनों से आपके माध्यम से, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं, डिमांड कितने दिनों से हम पार्किंग की कर रहे हैं, अपर बाजार में पार्किंग का कितना प्रॉब्लम है, क्या सरकार ने पार्किंग के लिए जगह दे दी? नहीं दी ना, क्योंकि है ही नहीं। तो फिर जो जो मकान, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आपके नगर निगम के एस्टेब्लिशमेंट से भी पहले है, तो आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? ये पॉइंट एक वैलिड पॉइंट है कि जब नगर निगम ही नहीं था और जो मकान और जो बिजनेस, तो वो कहाँ बनाते? तो ये तो एक प्रशासक को भी समझना होगा और बाकी सरकार को भी समझना होगा, कोर्ट को भी इस बात को समझना होगा, कोर्ट को भी समझना होगा। और कोर्ट में तो अभी जो ये इन्फोर्समेंट टीम आ गई, कोर्ट में मैटर चल रहा है और टीम पहले आ गई है, ये किस कैसा खौफ का माहौल है? तो क्या लगता है कि मेयर और नगर आयुक्त के बीच जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें आप लोग पीस रहे हैं? देखिए, उसमें तो हम, मैं कुछ बोल नहीं सकता, यहाँ डिप्टी मेयर भी मौजूद है हमारी मीटिंगों में, कल सुबोध कान साहब भी थे, अभी सीपी सिंह भी है, महुआ मांझी भी है, हर जनप्रतिनिधि पहुंच रहा है, हमें उससे वो नहीं है, ठीक है, वो आ रहे हैं, हम उनका वेलकम कर रहे हैं, मगर ये हमारी बात है, ये हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाए और बिजनेसमैन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, तो राज्य की तभी तरक्की है जब बिजनेस भी इसको सुचारू रूप से करते रहे। तो बिल्कुल, देखिए, व्यवसायी परेशान है और यही वजह है कि आज सड़क पर उतरे हैं और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारी नोटिस वापस लो, इधर वापस लो। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। 1962 में नगर पालिका था, ये नगर पालिका था यहाँ पर बाजार वाले, उस समय से पहले का बिल्डिंग बगा हुआ, मेरा मालिक उस समय से टैक्स दे रहा था, मेरा मालिक उस समय से टैक्स दे रहा था बस, और
नगर निगम बना, अरे भैया रुको, नगर निगम 1973 में बना, नगर निगम 1973 में बना, उस समय से टैक्स ले रहे हैं। आज उस समय गलत बिल्डिंग नहीं था, आज गलत बिल्डिंग हो गया। इस रोड में कितना दुकान है, सबका पार्किंग है कि 17 दुकान का नहीं है पार्किंग? ये नगर निगम को सोचना चाहिए। आज 510 आदमी 17 दुकान में काम करते हैं, उसका परिवार को जोड़ लीजिए, एकदम रोड में आ जाएगा, एकदम रोड में आ जाएगा। सर क्या करेगा, पापी पेट चोरी करेगा, डकैती करेगा, ये करेगा, ये सरकार को सोचना था सर। अरे मालिक है, सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना हम करते हैं कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम सरकार से, सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मेरे मालिक को साल डेढ़ साल समय दिया जाए, बोला जाए बिल्डिंग ऐसे बनाई है तो मेरे मालिक नहीं बना देंगे क्या? नोटिस दिए फ्राइडे को दिन, जुमा के दिन 5:50 में नोटिस आया, अब 72 घंटा में बोले सीख कर देंगे। शनिवार को दुकान बंद, संडे को बंद, सोमवार को बंद, तो मेरे मालिक कहाँ जाएंगे, कहाँ आप काम करते हैं? वहाँ 18 साल से काम करते हैं, मेरे बाल बच्चा सब वहीं से पढ़े हैं, हर चीज हुआ है वहाँ से। आज बेरोजगार हम लोग हो जाएंगे तो कहाँ से हम करें? सरकार बोले रोजगार देंगे, हम लोग को तो निकाल रहे हैं, हम लोग को तो निकाल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चियाँ बैठे हुए हैं, देखिए इन पर लाठी चलाएंगे सरकार, इनको मारेंगे? कहाँ से आई है बेरोजगार माँ बाप के, मजबूर लड़कियाँ काम करती है, मजबूर लड़कियाँ काम करती है रोजगार के लिए, कितना तनख्वाह मिलता है पेट चल सके? अब पेट को भी आप छीनना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए सर। आपसे अनुरोध है सर कि साल डेढ़ साल दो साल मेरे मालिक को समय दिया जाए सर। हम कहाँ लड़ना चाहते हैं प्रशासन से, प्रशासन से लड़ के हम कहाँ सकेंगे सर? प्रशासन प्रशासन से कोई नहीं सका है सर। मगर देखिए जाति मत कीजिए सर, नहीं तो आपको ऐसा हाय पड़ेगा मजदूरों और बच्चियों को कि आप कहीं का नहीं रहिएगा सर, कहीं का नहीं रहिएगा। आप आज सत्ता में है तो आप हिला दे रहे कलम, कल सत्ता में नहीं रहिएगा तो कहाँ से हिलाइएगा? मगर नगर निगम को निवेदन है कि थोड़ा गौर करें हम लोग पर, हम लोग बहुत मजबूर हैं। मालिक तो अपना घर चला लेंगे, बेरोजगार कहाँ से अपना घर चलाएंगे सर? बस नगर पालिका 1962 में था सर, टेस्ट लिया 1973 में नगर निगम बना, उस समय टेस्ट लिया सर, अभी क्यों गलत हो गया सर? इसलिए हम लोग रोड में उतरे हैं सर, प्रशासन बुला दिए, मारे काटे मोरा दे कि जो करना है कर ले, प्रशासन नहीं हटेंगे हम, नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, चलवा दे गोली, चलवा दे मिशिंगन, चलवा दे जो चलवाना है चलवा दे। मेरा बोलना है कि जो 70 दुकान है उसमें लगभग 500 कर्मचारी हैं और एक फैमिली के यहाँ लगभग 5 परिवार का पेट पलता है, उस हिसाब से देखा जाए 3000 परिवार का पेट पले है। आज 3000 लोगों के पेट में लात मारना कहाँ तक तय संगत है? सरकार का फैसला तय संगत एकदम ही नहीं है। 3000 लोग बेरोजगार होंगे तो चोरी ना करेंगे, डकैती करें? 3000 लोग बेरोजगार होंगे तो चोरी ना करेंगे, डकैती करेंगे, क्राइम बढ़ेगा सर। पेट पालने के लिए दाल रोटी का जरूरत है, हम लोग कहाँ मुर्गा चिकन बिरयानी मांगते हैं जो आप लोग सीट में बैठ के खाते हैं, चिकन बिरयानी मुर्गा ओ वगैरह वगैरह, हम लोग तो दाल रोटी मांग रहे हैं सर, वही जूठा मांग रहे हैं। तो आप लोग जूठा भी छीनना चाहते हैं मजदूरों से, वही जूठा छीनना चाहते हैं। मालिक क्या अपना रास्ता देख लेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग पर जुल्म मत कीजिए सर, जुल्म मत कीजिए, बस इतना ही हमको कहना है सर, निवेदन है सर। हमारा बोलना है कि ये जो 17 दुकान है, 17 दुकान में लगभग 500 कर्मचारी है, एक कर्मचारी के घर में लगभग 5 से 7 फैमिली मेंबर होते हैं, 4000 लोगों का जो पेट पल रहा है, ये दुकान बंद हो जाएगा तो 4000 पेट लोग भूखे तो नहीं मरेगा, वो अपराध करेगा, क्राइम करेगा। सरकार का फैसला कहीं से भी तय संगत नहीं है, और सरकार तो जनता को मारने पर तुली है। कुछ दिन पहले महावादी में कांड हुआ, 24 घंटे में सरकार का आदेश आता है कि दुकान को हटा दिया जाएगा। कल मान लीजिए कि आपके घर के सामने आपके गली में किसी का मर्डर हो जाता है तो सरकार बोलेगी कि अपराध कंट्रोल करना, आप घर से मत निकलो, ये कोई तय संगत वाली बात नहीं होती है।
ये सरकार की पूरी विफलता है। संक्षेप में बोला जाए तो सरकार नपुंसक हो चुकी है। कुछ दिन बाद मान लीजिए कि आपके घर पे यदि किसी का मर्डर हो जाता है, सरकार बोलेगी अपराध नियंत्रण करना, आप घर से मत निकलिए, वही ना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भैरव सिंह भी पहुंचे हैं। भैरव, क्या क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं? यहाँ पर लोग अपने हक को मांगने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार रोजगार दे नहीं सकती है तो कम से कम रोजगार छीनने का भी उसको अधिकार नहीं है। यहाँ गरीबों की बात सुनने वाला कौन है? मोराबादी मैदान में 300 दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया केवल इसलिए कि वहाँ एक अप्रिय घटना घटती है। अगर घटना घटी है तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतनी तीव्र गति से काम करते हुए सभी अपराधियों को आप लोग पकड़ लिए। लेकिन मैं यह प्रश्न पूछना चाहूँगा, यही घटना अगर फिरायलाल में भगवान न करे घट जाती है तो क्या फिरायलाल के सारे दुकानदारों को बंद करने का आदेश दे देंगे? अपर विहार में अगर यह घटना घट जाती तो क्या अपर विहार के सारे दुकानों को बंद करने का आदेश दे देंगे? यही निर्णय है क्या आपका? अरे आप अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए आप काम करें। हमारे प्रशासन जो है बहुत सुदृढ़ है, लेकिन अगर उनका हाथ बांध देंगे तो क्रिमिनलों से कैसे लड़ेंगे? प्रशासन का हाथ खोलिए और गलत निर्णय जो आप ले रहे हैं उस निर्णय को आप वापस लीजिए। अभी जो यहाँ पर ये दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, 17 दुकानदारों को नोटिस भेजी गई है कि भाई नक्शा नहीं बनवाए हैं इसीलिए तोड़ना। नक्शा जब बिल्डिंग बन रही थी तब आपका हाथ है? यहाँ पर एक भी दुकानदार ऐसा है जो टैक्स नहीं देता है? आप टैक्स लेने के लिए आगे आ जाएंगे और फिर आपको एक नया नियम पारित करके बिल्डिंग को तोड़ने का निर्देश दे देंगे आप? जब बिल्डिंगें बन रही थी तब आप कहाँ थे? तब नगर निगम का टीम कहाँ था? तब सरकार कहाँ थी? देखिए ये दोहरी राजनीति यहाँ खेली जा रही है। सरकार के भी कुछ प्रतिनिधि आकर के बोल रहे हैं हम गरीबों के साथ हैं, और वही सरकार जिन्होंने नगर निगम के पदाधिकारियों की नियुक्ति की है वही सरकार उनको निर्देश देती है, वो यहाँ तोड़ने आते हैं और उनके प्रतिनिधि आते हैं बोलते हैं हम गरीबों के साथ हैं। ये दोहरी राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी और यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नहीं टूटेगा। और यहाँ पर दोहरी मानसिकता वाली सरकार हमको अस्वीकार्य है। यहाँ पर हमारी जितनी बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ पर से कितनी हमारी बहनें गर्भवती हैं, अपने पेट में बच्चे को धारण किए हुए यहाँ पर रोजगार की तलाश में आती हैं और दिन दिन भर काम करके 8,000-9,000 रुपया महीना कमा करके जाती हैं और बहुत ही तकलीफ से अपना घर चलाती हैं, और उनको आप रोजगार करने के लिए तुले हैं। इतना आप लोगों को पाप मिलने वाला है ना कि आप लोग सह नहीं पाइएगा। इन लोगों का आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है, इन लोगों का श्राप लेने के लिए। अगर इन लोगों का श्राप लेते रहेंगे तो आने वाली सरकार में, आने वाले समय में आपके धज्जियां उड़ने में देर नहीं लगेंगे। और ये जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, देखिए कि इनका साथ जो है दे रहे हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग की दुकानें सील करने के नोटिस भी। दुकान आपका है? मतलब कि हमारी अच्छा, जो काम करते हैं हम, जहाँ काम करते वो तो हमारा ही ना है। अगर हम वहाँ अपना पद दिखाएंगे तभी तो वो हमारा है ना। सिर्फ हम वहाँ रेगुलर केवल ड्यूटी के नाम से जाएंगे तो वो कैसे होगा? यहाँ हम बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, रांची में आके यहाँ काम करते हैं, और अगर दुकानें सील हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये जो नोटिस है वो वापस लिए जाए। क्या बोल रहे हैं भैया? हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, अब 15 साल से हम लोग यही कमाई से या यही से हम लोग घर परिवार सब चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई। आज हम लोग का दो साल से लॉकडाउन से हम लोग बंद हो गया तो बहुत दिक्कत आ गया। अब थोड़ा सा सुधार में आ रहा है, तब तक नोटिस आ गया। तो नोटिस आ गया भैया तो अब हम लोग कमा खा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? हम लोग तो यही न है, आप ये जो नोटिस मिला ले वापस ले और ये मदद कर। तो बिल्कुल देखिए ये अपर बाजार की दुकानें जो है उसे हम लोग कमाने खाने वाले आदमी कहाँ जाएंगे? कमाने खाने वाले जो है ये दुकान में काम करने वाली तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर धरना पर बैठी है। ये पिछले कुछ देर से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से अपर बाजार में यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। चूंकि 17 दुकानों को जो है नोटिस भेजी गई है इन दुकानों को सील करने को लेकर, और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, हम लगातार आगे भी अपडेट करेंगे और बताएंगे कि आगे क्या कुछ होता है इसमें।